टिहरी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डीएम ने बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग की। आपको बता दें कि डीएम ने शहर के चौराहों और दीवारों पर संस्कृति और स्वच्छता अभियान के स्लोगन के साथ वॉल पेंटिंग भी की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनको 26 जनवरी के दिन डीएम द्वारा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साफ सफाई का तो हमारे यहाँ हर सैटरडे को जो अभियान चला और अब हमने क्योंकि सिटी टूरिज्म के पर्पज से भी टहरी प्रॉपर हेडक्वार्टर है, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने जो यहाँ पे पुश्ते हैं, क्योंकि टहरी में ज़्यादातर हर जगह पुश्ते आपको नज़र आएंगे, तो उन पुश्तों को पहले हमने पेंट कराया है और उसके बाद अब उस पर छोटी छोटी यहाँ की जो लोकल आर्ट है उसकी पिक्चर्स और जो सेव जो क्लीन सिटी की जो पिक्चर्स होती हैं वो हम स्कूल के द्वारा करवा रहे हैं, वही प्रोग्राम आज भी रखा गया था। वहीं डीएम ने शहर को चमकाने के लिए नगरपालिका को शहर भर में सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर लगाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।